हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बची हुई ऊन से बहुत ही सुंदर डिज़ाइन स्वेटर के लिए बनाना दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे पास हमने यहाँ पे 5 कलर की ऊन ली है। आपके पास जितने भी कलर हों वो आप सारे कलर लगा सकती हैं और देखने में बिल्कुल रेडीमेड जैसा ये डिज़ाइन लगेगा। आप अपने बच्चे के स्वेटर पर कोटी, कार्डियन या बच्चों की फुल जर्सी बना सकती हैं। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, तो फिर इसको बनाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमने इसका ये जो बॉर्डर है ये ब्लैक कलर की ऊन का बनाया है। तो आपको ये वाला डिज़ाइन डालने के लिए पहले आप अपना बॉर्डर बना लें, उसके बाद जो उल्टी सिलाई होती है उसमें यहाँ पे फंदे जो भी बढ़ाने हैं बढ़ा लें। और हमें इसके लिए फंदे चाहिए 3 के मल्टीपल, तो हमने इसमें डाले हैं 30 फंदे। देखिए, तो ये सीधी सिलाई है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना जो दूसरा कलर है लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये दूसरा कलर लगाने के बाद में ये देखिए, हम इस तरह से इसको बुनेंगे, 3 फंदे इससे बनाएंगे और 3 फंदे हम इससे बनाएंगे। इसी तरह से ये पहली सिलाई और जो उल्टी सिलाई है, ये दोनों सिलाइयां हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। 3 फंदे अलग अलग कलर की ऊन से बनाने हैं। ये सिलाई बुनने के बाद जो उल्टी सिलाई होगी उसको भी इसी तरह से बुनेंगे, ब्लैक पे ब्लैक और ये पिंक पे पिंक फंदे बुन के। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दोनों सिलाइयाँ बना ली हैं। इस तरह से बनाने के बाद में अब हम आते हैं तीसरी सिलाई पे। तो हमने यहाँ पे अपना एक और जो कलर है ऊन का, एक और कलर की ऊन जोड़ दी है, ये देखिए। तो अब हमें इस तरह से बुनाई करनी, ये जो पिंक वाले ये वाले फंदे हैं इनको हम इस कलर से बुनेंगे, देखिए। और ये जो ब्लैक वाले हैं फंदे, ये ब्लैक वाली ऊन को हम यहीं छोड़ देते हैं, तो ब्लैक वाले फंदों को नहीं बुनना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, इस जगह से यहाँ पर इस सिलाई को डालेंगे और ये जो पिंक वाली जो ऊन है हमारे पास, तो इस तरह से लेंगे, फंदा नीचे से उठाएंगे और देखिए ये जो फंदे हैं ब्लैक वाले इनको हम पिंक से बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए, अब इस जगह पे यहाँ पे यहाँ फिर से सिलाई को डालते हैं और पिंक कलर की जो ऊन है इस तरह से। अब ये जो पिंक वाले फंदे हैं इनको हम बनाएंगे, ये ग्रीन वाली जो ऊन है इससे बनाएंगे। यहाँ पे फिर से सिलाई डालेंगे और ये पिंक कलर की ऊन से देखिए इन फंदों को हमें इस कलर से बुनना है। यहाँ पे फिर से सिलाई को डालते हैं और ये देखिए, फिर से इसे ब्लैक वाले फंदे जो पिंक कलर से बनाएंगे, यहाँ से फिर से सिलाई को डालेंगे और ये देखिए, ब्लैक वाले फंदे उनको पिंक से ही बुनना है।
और ये पिंक वाले फंदे उनको हमने ये ग्रीन कलर है उससे बुन दिया है। देखिए तीसरी सिलाई ये इस तरह से बनानी है और चौथी सिलाई जो उल्टी है उसको भी थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए इसको किस तरह से बुनना है हमें। ये देखिए ये जो पिंक फंदे हैं दो इनको तो पहले हम ऐसे ही बुन लेंगे सादा ये बुन लिया। और ये देखिए ये जो साइड वाला फंदा है ये साइड वाला तो हम ऐसे इसको निकाल लेंगे थोड़ा सा घुमा लेंगे फंदे को। ये देखिए इस तरह से करने के बाद में इसको इस तरह से ले लेंगे। अब इस पे आते हैं ग्रीन फंदा है इसको हम इसी ऐसे ही लेंगे। अब देखिए ये पिंक के साइड में जो फंदा है इस साइड वाला तो फंदा हम ऐसे ही लेना है इसको। देखिए फिर से एक फंदा बुनेंगे। अब इस साइड वाला जो फंदा है इसको हमें घुमाना है। अगर हम इसको घुमाएंगे नहीं तो ये हमारा डिज़ाइन है सही नहीं बनेगा। देखिए अब देखिए इतना बनाने के बाद में देखिए फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ ब्लैक कलर की ऊन को छोड़ दिया था और पिंक वाली की चार सलाइयाँ बनी थी पहले ये इसके ब्लैक के साथ में और दो हमने ये ग्रीन के साथ में ये बनाई हैं। अब इसी तरह से जो पिंक वाली ऊन है इसको हम छोड़ देंगे। अब हम इससे जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया था ये कलर को हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए ये है ये ग्रीन वाले फंदे हमें इस तरह से बनाने हैं। पिंक वाली ऊन को छोड़ देंगे हम। देखिए अब यहाँ पे जो ग्रीन वाली ऊन है इसको इस तरह से फंदा डालेंगे। इससे हम अपने ये तीन फंदे बनाएंगे एक दो तीन। पिंक वाली ऊन को इस तरह से थोड़ा सा खींच देते ताकि फंदा है सही से हो जाए। अब देखिए अब इसको हम फिर से यहाँ पे डालेंगे और अगले फंदे हैं इससे बनाएंगे ग्रीन के ऊपर वाले। ये वाला डिज़ाइन फ्रेंड्स आपके पास जितने भी कलर की ऊन वो सारे कलर आप इसमें लगा सकती हैं और ये बहुत ही देखने में सुंदर दिखता है। इस तरह से आपको ये ऊन है इसमें चेंज करनी है। देखिए जिस तरह से हम बता रहे हैं
सॉरी। देखिए उल्टी सिलाई में किस तरह से फंदे घटाने हैं एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए इस वाले फंदे को देखिए फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ किस तरह से दिखेगा। जिस तरह से हमने ये ऊन इसमें जोड़ी है उसी तरह से आप इसमें चाहे जितने कलर हैं वो आप लगाती जाइए। देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें कितने सारे 5 ही कलर लगाए, आपके पास जितने कलर हों बचे हुए वो आप सारे कलर इसमें लगा सकती हैं और ये बहुत ही सुंदर दिखता है। आप चाहें तो इसे आगे के भाग में स्वेटर के बना सकती हैं ये डिज़ाइन, चाहे तो आप पीछे के और बाजू आस्तीन सभी में डाल सकते हैं, बहुत सुंदर दिखेगा। इससे आप काड़ी भी बना सकते हैं लेडीज़ के लिए, बच्चे की कैप भी बना सकती हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वो बनाइए। और मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी जो भी आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।